आज हम Xiaomi Mi 6 की अनबॉक्सिंग करेंगे, चूंकि ब्रांड न्यू है इंडिया में, मैं इसको इंपोर्ट करवाया है। Mi 6 जो कि 6GB और 64GB वर्जन में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैंने ये चाइना से इम्पोर्ट करवाया है, gearbest.com से मैंने ये खरीदा, लगभग मुझे 33,000 रुपीज का ये पड़ा है। 6GB और 64GB ये वर्जन है। तो पहले तो आउटर में ये बॉक्स था, ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसी पैकिंग थी, इसके अंदर था ये कुछ इस तरीके का कुछ पैकिंग थी, सेफ्टी पैकिंग, उसके बाद ये पैकेज अंदर है। ये अभी तक मैंने नहीं खोला है, मैं चेक करता हूँ। क्या निकल के आता है देखते हैं। इसमें एक निकला छोटा सा डब्बा, 6GB 64GB मेड इन चाइना ब्लैक इंटरनेशनल। तो मैंने जो इसमें वर्जन है ये 64GB इसलिए चूज किया कि मेरे लिए सफिशियंट है। मेरे पास Mi 5 भी है, उसका जो स्टोरेज है लगभग 32GB है, तो वो काफी लगा मुझे, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो ये इसका सील है, ये कट हुआ, ये कट हुआ, इसके पीछे आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4G 3G 4G 4G। तो ये हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, बहुत तरीके से देखते हैं क्या इस पैकेज में अवेलेबल है। ये मैं फर्स्ट टाइम अभी खोल रहा हूँ। वाओ, जैसे कि स्पेसिफिकेशन तो आप सभी को पता होगी दोस्तों, Mi 6 की ये आपको पता है कि 5.1 इंच का ये डिस्प्ले है, 15 इंच का, जो कि फुल HD में है, 1920x1080 पिक्सल, और MIUI 8 इसमें अवेलेबल है। इसके अगर हम बॉडी देखें सबसे पहले तो काफी स्मूथ है और काफी अच्छा है। ये डुअल जो कैमरा है इसके बैक में इन्होंने इसकी कवरिंग दे रखी है ताकि ये खराब ना हो, और स्क्रैच रेजिस्टेंट ताकि स्क्रैच ना पड़े पैकिंग के टाइम पे, और ये कुछ लेयर इन्होंने लगाई है। इसको खोल के देखते हैं एक बार कैसे खुलेगा, लेट मी ट्राई। और फ्रंट पे भी ये फिंगरप्रिंट, इस टाइम जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो Mi 5 में था वो पुश होता था, इस बार ये पुश नहीं हो रहा है। अब हम इसको ऑन करेंगे, चलो तब तक ये ऑन होता है तब तक और बॉक्स कंटेंट देखते हैं क्या क्या इसमें अवेलेबल है। इस बारी जो पैकिंग थी वो भी काफी छोटी है। वाओ, कवर भी है, दैट्स गुड, दैट्स कूल। पैकिंग काफी डिफरेंट मेरे को लग रही है Mi 5 से, क्योंकि मेरे पास जो पुराना इसका Mi 5 जो गोल्ड वर्जन है, मेरे पास आप देख सकते हैं ये काफी ट्रांसपेरेंट कवर है। मैंने इसमें मेटालिक कवर यूज किया था लेकिन उसमें सिग्नल प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सिग्नल प्रॉब्लम आती है मेटल के उसमें। इसका बॉक्स कंटेंट है, ये इसकी इजेक्टर टूल है, ये इसके साथ ही इन्होंने कुछ चाइनीज में लिखा हुआ यूजर मैनुअल होंगे, जो कि हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे इंडिया में। इसके बाद हम आते हैं, ये चार्जर केबल है ये। और हाँ, इसमें एक और बात मैं आपसे बताना देना चाहता हूँ, इस फोन पे आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, आपको इसी से कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए इन्होंने एक छोटी सी केबल यहाँ पे दी है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास ऑनर 8 था, उसमें भी सेम केबल ये मिली हुई है। ये है दोस्तों इसका कुछ, चलो इसको तो बाद में हम ऑन करेंगे। तो ये इसकी केबल काफी टाइट हो रही है अभी शुरू में, तो इसको इसके अंदर डालते हैं। केबल की लंबाई भी काफी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 राउंड ये घूमी हुई है इसके अंदर।
पैकिंग काफ़ी अच्छी है। चार्जर भी इस टाइम बिल्कुल अलग है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। एक सेकेंड, ये देखो एकदम से साइज़ थोड़ा इन्होंने चौड़ा कर दिया है और छोटा कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको MI5 का चार्जर अभी दिखाता हूँ। ये MI5 का साइज़ है, जो चार्जर का साइज़ है, काफ़ी पुराना तो नहीं बोल सकता हूँ। आप देख सकते हैं इसको, ये MI5 का चार्जर है और एडेप्टर है। डिफरेंट है थोड़ा सा, देखो लेंथ का फर्क है, विड्थ का फर्क है। तो ये हुआ दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग। आप लाइक कर दीजिए प्लीज, और शेयर, सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो जैसे कि आपको पता है कि लाइट वेट तो है ही, ये 168 ग्राम का फोन है और IPS LCD इसमें डिस्प्ले जो है फुल HD, वो भी अभी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। MI5 से तो थोड़ा इम्प्रूव्ड है, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में स्पीड कितना अच्छा है इस फ़ोन का। वेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है हाथ पे, अगर ये कवर हट जाएगा उसके बाद ये और अच्छा लगेगा। अब मैं कुछ टाइम इसको यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं कोई नया फ़ोन। और एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इसमें डुअल रियर कैमराज हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डुअल हैं इसके। तो दोस्तों आई होप कि, क्योंकि MI5 का जो कैमरा था वो काफी अच्छा था, इसका भी अच्छा ही होगा। पता नहीं क्या बोल रही है, इसको तो बाद में चेक करेंगे अंदर क्या है इसके। चलो वो तो मैंने आपको दिखा लिया, ये डुअल फ्लैश है इसमें, मुझे लगता है काफ़ी शार्प होगा क्योंकि MI5 का भी काफ़ी शार्प था। अब बात करेंगे हम इसके UI की। UI इसमें MIUI 8 है, जो कि एंड्रॉयड पावर्ड 7.1.1 नोगट है, और प्रोसेसर इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 चिप है इसमें, जो कि आपको ऑक्टा कोर इसमें CPU है 2.45 GHz का। अगर हम बात करें इसके फ्रंट और रियर कैमराज की, तो आपके पता है कि 12 मेगापिक्सल के बैक में है, और फ्रंट पे है आपका ये लेफ्ट में, जो कि आपका 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे, इसमें वाईफाई है, ABGN AC डुअल बैंड वाईफाई है, और ब्लूटूथ 5.0 है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है ब्लूटूथ का, और काफ़ी क्विक भी है। और इसमें GPS है, NFC इसमें यूज़ है, NFC इस फोन पे आपको NFC अवेलेबल मिलेगा। टाइप सी पोर्ट है इसमें, एक ही पोर्ट है, ये साउंड के लिए है, ये रिसीविंग के लिए है, माइक और साउंड दोनों। इंफ्रारेड पोर्ट भी है इसमें, वो आपको यहाँ कहीं मिलेगा। ये HTML5 ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, और फिंगरप्रिंट इसके फ्रंट पे है। इस टाइम इन्होंने फिंगरप्रिंट काफ़ी क्विक दिया, क्योंकि जो लास्ट मेरे पास MI5 था उसमें फिंगरप्रिंट जो स्कैनर था वो काफ़ी प्रेस करने या टच करने के बाद भी ढंग से काम नहीं करता था, लेकिन इस बार मुझे हल्के से टच करने में फील दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस बारी काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें यूज़ हुआ है। और अब इसके कलर की बात करते हैं, तो इसमें 3 कलर ऑप्शन आते हैं, सिरेमिक ब्लैक, ब्लैक और ब्लू एंड वाइट, चार कलर ऑप्शंस। तो मेरे पास अभी ब्लैक कलर है इसका, नॉट अ सिरामिक ब्लैक, इस ओनली ब्लैक, क्योंकि मेरे को इस बॉक्स में भी, मैं आपको दिखा देता हूँ, फोटो ब्लैक है इसमें लिखा हुआ, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी अभी लाइफ का, तो मुझे पता नहीं कितनी लाइफ है इसकी बैटरी की, लेकिन लिथियम पॉलीमर नॉन रिमूवेबल बैटरी है इसमें, ये पूरा सील पैक फोन है, और 3350 mAh की बैटरी है, 3350 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी इसमें यूज हुई है, जो कि आई थिंक MI5 से तो ज़्यादा ही चलेगा। और चार्जिंग की अगर हम बात करें, तो ये बाद में ही पता चलेगा चार्ज करने के बाद। तो दोस्तों हम इसको पैक कर देते हैं अभी, जैसा था ये फ़ोन बैक में हमने फिक्स कर दिया। ये कुछ इस तरीके से था, ये सबसे नीचे ये था, सॉरी सबसे नीचे ये था,
उसके बाद ये था, अब ये उल्टे में था या सुलटे में था ये तो मेरे को नहीं पता है। उसके बाद ये निडल थी, उसके बाद MI6 था और इस तरीके से कुछ ऐसा था ये। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट रिव्यू, सॉरी अनबॉक्सिंग, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसके रिव्यू का। तो आप मुझे बताइए कहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है या कुछ कमी रह गई। तो आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में काफ़ी अच्छे से आपको बता पाऊंगा, जितना मुझसे हो सका मैंने पूरा किया। इसका कंप्लीट बॉक्स ये है, और कमेंट में बताइए आप, आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसका डिज़ाइन कैसा लगा, आप क्या इसको लेना चाहते हैं, इस बजट में क्या ये सही फ़ोन है 33,000 रुपीज़ में। हाँ, इसमें मैंने कस्टम अलग से दिया है, जो कि आपको शायद पता होगा कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट अगर चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं तो उसको आपको कुछ परसेंटेज अमाउंट आपको कस्टम भी पे करना होता है। कस्टम के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कस्टम के बारे में पता चलेगा कैसे इंपोर्ट करवाते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ जो रेट्स हैं इस तरीके से आपको देने हैं। तो ये था सारा अनबॉक्सिंग वीडियो MI6 का दोस्तों, 4GB 64GB वर्जन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।